सहकारी समिति के चुनाव में जीत के लिए खूब जतन हो रहे हैं। अब तो दबंग उम्मीदवारों ने जीतने का अलग ही तरीका निकाला है, या तो पर्चा भरने जा रहे विरोधी उम्मीदवार का अपहरण कर रहे हैं या फिर चुनाव अधिकारी का, ताकि दूसरे लोग पर्चा ना भर पाए। बस्ती में अधिकारी का अपहरण किया गया तो प्रतापगढ़ से विरोधी उम्मीदवार के बंधक बनाए जाने की खबरें आई। कन्नौज में तो इसे लेकर सपा और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। सहकारिता चुनाव को लेकर शहर शहर संग्राम, कहीं अधिकारी का अपहरण, कहीं नेता का, कहीं भिड़ रहे सफाई भाजपाई, साम ताम तंड भेद। सहकारिता चुनाव जीतने के लिए हर युक्ति आजमाई जा रही, कहीं अधिकारी को उठाया जा रहा है तो कहीं विरोधी उम्मीदवार को, तो कहीं चुनाव को लेकर सियासी दल सड़क पर दो दो हाथ कर रहे हैं। बस्ती में सहकारिता चुनाव पर अपराधियों की नजर, विरोधी को पर्चा भरने से रोकने के लिए अधिकारी का अपहरण। बस्ती में सहकारी समिति के चेयरमैन चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए दबंगों ने चुनाव अधिकारी का अपहरण कर लिया। मामला दुबौलिया साधन सहकारी समिति के चुनाव का है। प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती देख दबंगों के हाथ पांव फूल गए। विरोधी पर्चा दाखिल न कर पाए, इसके लिए एक बड़े नेता की शह पर चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को निर्वाचन स्थल से जबरन उठा लिया गया और अधिकारी को लेकर गायब हो गए। इतने में पर्चा दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया। बाद में बीजेपी नेता सुनील सिंह और राजेंद्र के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांग कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इसके बाद वो काम ठप कर हड़ताल पर चले गए। कोऑपरेटिव चुनाव के समय हमारे विकास खंड के एडीओ पंचायत श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी का कुछ व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उनकी रिहाई 4 घंटे बाद वो किसी तरह वहाँ से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट के भागे हैं। तो हमारी ये मांगे हैं कि गिरफ्तार करो उनको जो इसमें संलिप्त थे, जो उनको उठाए थे। उधर प्रतापगढ़ में रानीगंज से बीजेपी विधायक धीरज ओझा के भाई के दबंगई का वीडियो सामने आया, जहां सहकारी समिति अध्यक्ष चुनाव में नामांकन करने आए प्रत्याशी राकेश तिवारी को समिति परिसर से ही अगवा कर लिया गया। ये सब पुलिस बल के सामने हुआ। इस बीच पुलिस और विधायक के समर्थकों में नोकझोंक भी। वही नामांकन का वक्त खत्म होने के बाद राकेश तिवारी को छोड़ दिया गया। बाद में खौफ से सहमे राकेश तिवारी कुछ भी नहीं कह पा रहे। दिन में ये सूचना पुलिस को मिली कि इनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना रानीगंज की पुलिस, मानदाता पतनपुर और सीओ रानीगंज, एडिशनल एसपी उर्वी साहब तत्काल वहां वज्र वाहन वगैरह के साथ में पहुंचे। पुलिस की सक्रियता देख करके, पुलिस की कार्रवाई देख करके ये कथित रूप से अपहृत मिले, इनको पुलिस ने बरामद किया। और मिलने के बाद इन्होंने ये बताया कि ये अपहरण की सूचना पूरी तरह गलत थी। ये अपने किसी निजी काम से पृथ्वीगंज में गए थे और जो भी अफवाह फैलाई गई है वो गलत है, उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है। कन्नौज में सहकारी समिति चुनाव में सपा और बीजेपी समर्थक थे। घटना की सूचना पर एसडीएम सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ा। पूरे मामले में सपा बीजेपी पर प्रत्याशी को बंधक बनाने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी नेता प्रशासन पर सपा का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। सहकारिता चुनाव में कन्नौज में 18 तिरवा समिति पर हंगामा शुरू हो गया, जहां बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रही अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सीमा सिंह के पति जितेंद्र सिंह पर सपा प्रत्याशी को बंधक बनाने का आरोप। वही सीमा सिंह प्रत्याशी हैं, उनके रोक रहे थे प्रधान जी कि वो आमंत्रण नहीं करने देंगे। प्रशासन मेरी मदद की, हमको कराया गया, आमंत्रण कराया गया, वोट पड़ गए हैं सब। प्रशासन ने मेरा साथ दिया, उचित कार्रवाई हुई, वोट डाले गए। 12 बजे तक नामांकन था, 12 बजे तक जो मेरे खिलाफ पार्टी के प्रत्याशी थे वो मौके पर नहीं पहुँचे और हम निर्विरोध किए गए। उसके बाद में एसडीएम साहब, सीओ साहब और सपा के विधायक, नवसपा के नवाब सिंह यादव, अनिल दोहरे आए और उन्होंने मेरा जो हम निर्विरोध चुने गए थे हमको कैंसिल कर दिया गया। प्रशासन का पूरा रोल है, प्रशासन ने उन लोगों की सुनी, हमारे लोगों को, हम लोगों को गाली गलौज देके और खदेड़ा गए। साफ है कि शहर शहर सहकारिता चुनाव पर संग्राम हो रहा है। जीत के लिए वोट से ज्यादा दूसरे उम्मीदवार को रास्ते से हटाने पर भरोसा है, कहीं अधिकारी तो कहीं प्रत्याशी को बंधक बनाने की घटनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।